अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है। और आपने इनके कारनामों को देखा होता, इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। रसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था। भतीजा अकेला, चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना। लेकिन बहनों और भाइयों, कौन लोग हैं आपके सामने? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने जो पहचान का संकट खड़ा किया, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने, उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया। इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। आपने इनके कारनामों को देखा होता, इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है। ये इनका चेहरा है और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, पहले सामाजिक ताने बाने को इन्होंने छिन्न भिन्न किया, प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, विकास के लिए और गरीब कल्याण के लिए जो धनराशि राज्य की लगनी चाहिए थी उसमें लूट खसोट किया, नौजवानों को मिलने वाली नौकरी में डकैतियां डाली गई। आज आप देख रहे होंगे कि कल हम लोग 1000 नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल में नियुक्ति के लिए हम लोगों ने परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न की। मैं कहता हूं ये देश ही नहीं, दुनिया की किसी भी सिविल पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती थी, सबसे बड़ी भर्ती। और कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। क्या यही काम 2017 के पहले भी होता था? क्या 2017 के पहले हर नौकरी बिकती थी, उसकी नीलामी होती थी, वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। यही दृश्य पूरे प्रदेश का हुआ करता था। विकास के नाम पर भी यही लूट खसोट मची हुई थी, यही लूट पूरे प्रदेश में मची हुई थी। बहनों और भाइयों, इनको मैनपुरी की चिंता नहीं थी, इनको इटावा की चिंता नहीं थी, इनको स्वयं की चिंता थी। इनको प्रदेश की चिंता नहीं थी क्योंकि इनको स्वयं की चिंता थी। और इसीलिए जब उनको लगा कि अब उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं रहा तो इन लोगों ने तो अपने लिए दुनिया के अलग अलग देशों में द्वीप खरीद लिए होंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, हमें और आपको तो इसी प्रदेश में रहना है, हमें और आपको इसी प्रदेश में रहना है। चाचा की तो नियति ही है हमेशा धक्का खा करके वहीं पड़े रहना। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अभी अभी मैनपुरी पहुंचे थे और उन्होंने यहां अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जनता को गिनवाई। लगभग पौने 400 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। जो योजना उन्होंने मैनपुरी के लिए दी है उसका उन्होंने उद्घाटन किया। मेधावी छात्रों को मोबाइल और टैबलेट वितरित किए। उनके आने का सबसे बड़ा एक उद्देश्य ये माना जा रहा है कि ये करहल विधानसभा है जिससे अखिलेश यादव पहले विधायक थे, इस्तीफा देने के बाद वो कन्नौज से सांसद हुए। तो किसी भी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो इस करहल के समाजवादी किले को भेजना चाहते हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा 2 और डिप्टी सीएम की जनसभाएँ यहाँ हो चुकी हैं, जिसके बाद आज योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे थे अखिलेश यादव के किले को भेजने के लिए। वो लगातार मैनपुरी में गुंडागर्दी और समाजवादी पार्टी के अराजक तत्वों को घेरते नजर आए। वो आह्वान करते नजर आए कि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर हराया जाए और इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया जाए। हालांकि अपने अपने तरीके से यहाँ पार्टी के प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन करहल विधानसभा से अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचे थे अपना भाषण खत्म करके और यहीं से अपने चौपर से वो चल दिए हैं। तो इस विकास योजनाओं को एक बखान भी माना जा सकता है और आने वाले इस रिक्त उपचुनाव में वो अपने वोटरों को या समाजवादी पार्टी के जो मतदाता हैं उनको लुभाने के लिए भी ये जनसभा महत्वपूर्ण थी। मैनपुरी से पंजाब केसरी के लिए आफात अली खान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।